I'm not sure if you can see. शक्ति दे हमें प्रभु, शक्ति दे। Well, hello everyone. So, आज हम जा रहे हैं कहाँ? आदि हिमानी चमुंडा। So, चमुंडा देवी का मंदिर है। हम लोग यहाँ से ट्रैक शुरू करेंगे। It's almost 10 kilometers from the base. और हमें चढ़ना है पहाड़, अच्छा खासा पहाड़। तो ये रहा सारा सामान, फ्रॉम स्लीपिंग बैग टू खाना टू दारू, सब है रेडी। हाँ, तो शरीर को गर्मी देने के लिए बस। एनीवेज, मंदिर के बाद वो गेट ओपन। हाय, जय हो, जय हो, जय हो। तो यहाँ से है अराउंड 9 किलोमीटर की चढ़ाई। अभी तो बस शुरू हुआ है। तो नीचे का नज़ारा भी आपको दिखाएंगे हम। देखिए, बहुत ही हरा भरा वातावरण, साफ सुथरा, बारिश भी होगी आज। और हमारी तरफ तो ना ही देखने का अच्छा है। पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे। जय बच, हाफ अ किलोमीटर डन। चल रहा है, वीडियो भी पीछे पिलानी है ना। हाँ, 600 मीटर्स डन एंड आई एम एग्जॉस्टेड। फकिंग 8.5 किलोमीटर्स टू गो। आई हैड टू इवन रिमूव माय जैकेट, फकिंग टू हॉट। I don't think it's even 1 kilometer yet, and I'm dead already. Fuck. Oh, damn it. It's quite up too. But I should tell, it's hardly 10% that we have climbed so far. So this is what happens when you don't stay in mountains. I mean, I'm born from Himachal. I am from Himachal, but I don't come here too often. I don't come here for trekking too often, and that's my condition. But look at the view. Damn. Oh, we're pretty far from the ground and moving even further. About 1.5 kilometers in. And that's the view. Oh, we're not even halfway yet. Just 1.5 kilometers. Or 2.4 kilometers done. Die kilometer. Ho gaya. We have covered like 1/4 of the climb as of now. Yahan baithenge. Yeah, hamara resting point. भाई साहब, व्यू ऊपर रप हो जाना। तो ये अपनी सेल्फी स्टिक आज के लिए। हो गए 230 रेडी, और डाल ले।
सो रिफ्रेशमेंट इज डन, 2.5 किलोमीटर इज डन, वी हैव रीस्टार्टेड. वेल दैट्स द व्यू. इट्स क्वाइट फार येट, अबाउट 7.5 किलोमीटर्स टू गो. द टाइम इज ऑलमोस्ट 7 नाउ. बट अच्छी खासी ब्रेक हो गई. वेल तो लो जी दोस्तों, हम पहुंच गए हैं अरे रास्ते से थोड़ा सा नीचे, और ये है यहाँ की खूबसूरत वादियाँ. ये है हमारे बंधु, डंडा ले लिया है. सेटिंग करनी पड़ेगी, घूम गई है लगता है. तो यहाँ से बिजली पैदा की जाती है, और ये उनका डंपिंग स्टेशन. यहाँ से वाटर की सप्लाई जाती है नीचे, और वहाँ जाके जो है वो पूरा का पूरा पानी स्टोर होता है. उसके बाद वहाँ से सप्लाई जाती है. थले आना तो किसी को जल्दी हो नीचे उतरने की, तो यहाँ से कूद जाओ भाई. शॉर्टकट फ्लाई कर सकता है, लेकिन अपना जो फ्लाई किट है वो साथ में होनी चाहिए. जन्नत तो अब दिखेगी. अभी हम पहाड़ के बिल्कुल करीब दिखाएंगे. हाय, आज आप लोगों की किस्मत अच्छी है कि आज ही स्नोफॉल हुआ है यहाँ पे, वो भी ताजा ताजा. धौलाधार रेंज है ना, धौलाधार रेंज है ये. और आज जो है हुआ, हमें रहने के लिए आज जगह मिल जाए ऊपर. वो बहुत नहीं तो स्लीपिंग बैग है, कहीं भी लगाएंगे सो जाएंगे. ऐसा है कि हम मारेंगे शॉर्टकट. ये है मेरा घर, ये जो दिख रहा है ये नहीं, बट जहां मैं चढ़ रहा हूँ, लाइक हाफ एन आवर फ्रॉम माई हाउस, फ्रॉम माई होम. दीज आर द माउंटेन्स दैट आई सी फ्रॉम माई होम. सो या, ये छोड़ के मैं बैंगलोर में हूँ. अब सोच लो क्या मिस करता हूँ मैं हर रोज. कहाँ तक पहुँचना है बताना. तो आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन सी, बट ये जो सिंगल सा पेड़ दिख रहा है यहाँ पे, ये जो धुंध धुंध भी पड़ी हुई है थोड़ी सी, ये सिंगल सा पेड़, ये वाला, यहाँ तक पहुँचना है हमें आज रात से पहले. रात मतलब अंधेरे से पहले. अबाउट 1 घंटा और लग ही जाएगा. वो उधर पहुंचना है, ये जो पहाड़ है. अबाउट 4.5 किलोमीटर, 4.62 किलोमीटर्स ऑफ ट्रैक डन, एंड वी आर नॉट इवन हाफ येट. लीव द हाफ, नॉट श्योर इफ वी आर इवन 1/3 येट. सो द फाइट कंटिन्यूज. द
battle to climb before it's too dark. So I have almost what 10 kgs of weight on my back right now. There's food, blankets, sleeping bag, everything loaded, and we have been trekking for what, 2 hours, 2 minutes, 4.7 kilometers done. I'm not sure how much the camera is capturing, to be very frank. The light is pretty less, and I'm not sure how much you can see kind of trek that right now I'm doing. It's all stones, technically stairs made out of stones. I just hope it's capturing enough. Oh, thank God it's not raining. बारिश में तो भाई हिम्मत टूट जाती इनको चढ़ते चढ़ते. So we took a break and 5 kilometers done. Starting again. Now I'm not sure how much of light my camera is capturing, so can't say much. Still hopeful. So about 5.6 kilometers done, and we haven't reached halfway yet. So I think it's not 10 kilometers. It would be more. भाई साहब, अभी हम moonlight का आनंद ले रहे हैं. देखिए लाइटें लगी हुई हैं. बहुत आनंद है यहाँ. और नीचे का नज़ारा आप देख सकते हैं. स्मार्ट सिटी, स्मॉल सिटी, विलेज सिटी, सारी सिटी सारी नीचे हैं. आज दुनिया हमारे नीचे है और हम दुनिया के ऊपर हैं, टॉप पे. जय माता दी. जय माता दी. अपना चेहरा दिखा दे थोड़ा सा. आपको याद है 360 है. चलो कब पहुंचेंगे. 6 किलोमीटर होने आया तो भाई बोल रहे थे 17 किलोमीटर है. मैं मान नहीं रहा था, अब मान रहा हूँ. दिख जाएगा इसमें. तो ये है अंकित और अभी रेस्ट कर रहा है. ये लड़का थक गया है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा थक गया है. 7 किलोमीटर चल लिए हम और 7 किलोमीटर ये हूँ मैं और खत्म ही नहीं हो रहा जो बिल्कुल भी बंदा भी थका नहीं है. आराम से चल रहा है, कोई बात नहीं, आराम से जाएंगे हम. और ये है नीचे के नज़ारे. पता नहीं आपको दिख रहे या नहीं दिख रहे, हमें नहीं पता, लेकिन थोड़ा बहुत तो हम दिखाई देंगे. और ये है यहाँ की झाड़ियाँ, देखिए कांटेदार है, बहुत बहुत कांटे होते हैं इसमें. ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर्स अप एंड वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग द मिड पॉइंट. ऑलमोस्ट डेड. ये कैमरा है. हाँ मुझे सब ये होती है पहाड़ की लाइफ. ये है चूल्हा, ये है लकड़ियाँ और ये है हमारे बड़का गद्दी भाई. देखना गद्दी भाई. हाँ ये है हमारे गद्दी भाई. हाँ जो पूरा यहाँ पे देखो दुकान है पीछे इनकी, पूरा सामान यहाँ पे लाते हैं ये नीचे से. और फिर लोग यहाँ पे आके बोलते हैं कि इतना महंगा है, इतना महंगा है. तो ये गलत चीज है क्योंकि इतनी ऊंचाई पे ये चीजें लेके आते हैं तो लोगों को समझना चाहिए. स्क्रीन नहीं आ रहा. और ये है हमारे दादू जी भेड़ बकरी वाले. हाँ ये भी यहाँ पे थोड़ा दान बना थल्ले थल्ले माल. बिल्कुल बिल्कुल. वो अभी नीचे बताया था हमने आपको, भेड़ बकरियां वही नहीं की है. और ये चाय बन रही है, देखो मैगी भी बनेगी अभी. तो मिलते हैं थोड़ी देर बैग मैगी बनने के बाद, चाय भी बताएंगे आपको. ओके सो वी हैव रीच्ड लाइक हाफ 7.13 किलोमीटर्स. इट टुक अस 4 आवर्स ऑफ ट्रैक. नाउ आई वाज पॉजिंग इट व्हेनेवर वी वर टेकिंग अ ब्रेक, सो दैट्स नॉट काउंटेड. बट वी एक्चुअली स्टार्टेड एट अबाउट 5 o'clock एंड द टाइम राइट नाउ इज 9:42. These are the numbers. Elevation, if you can see,
2188 meters. Well, that's almost 2 kilometers. Yeah, we started at 5:01 and reached here at 9:41. So, well, I burnt like 1800 calories. Not bad, yeah? Now we're gonna have some tea and Maggie, and then हमें जुगाड़ करना पड़ेगा आग लगाने का, फिर बाहर ही स्लीपिंग बैग लगा के सोएंगे. सो नेक्स्ट अपडेट कमिंग अप सम टाइम आफ्टर वी हैव सम टी एंड मैगी. सो या वो अपने ना वो निकाल लेने और प्रूफ रेन कोट हां वो डालने नीचे ना हां उसके ऊपर डालना हमने वो क्या बोलते हैं स्लीपिंग बैग. उस है नीचे इसका घास पे वो रख, तो उसके लिए हमने तो जुगाड़ करें रेनकोट लगाए नीचे सीधा इस ऊपर स्लीपिंग बैग पाने तो ठीक नहीं है ना यहाँ पत्थर. तो देखो गाइस ये है कैंडल और ये अभी काम करेगी आग जलाने का. तो यहाँ पे बहुत एक तो ओस है और दूसरा यहाँ पे हवा इतनी चल रही है कि माचिस भी नहीं जलती है यहाँ पे. ये तो अच्छा है कि माचिस का डिब्बा है हमारे पास. तो अभी एक और जुगाड़ करेंगे हम यहाँ पे, जिससे जो है आपको थोड़ी देर में सब कुछ कैसे जलेगी. अभी एक बार आग जल गई. कंबल कहाँ है दूसरे वाला? वैगनर. ये तो डबल है ना? क्या हो रहा है? ये इस ऊपर रखी है, पीछे बस पानी की बोतल. ये है अपना टेंट कंबल से बनाया. एक माचिस का पूरा वो तिल्ली का वो सेट डाल दो इसके अंदर. हाँ नहीं नहीं क्योंकि सुबह को गीले हो जाएंगे. आग में शाबाश बोल जी दरबार की जय. इस बहु हो गया हल जुगाड़ फिट. Alright, so this was our base camp and we are done with this. Now we'll be moving forward. Aho. उधर जाना है हमें, उधर वो वाले पहाड़ पे. सो दैट वॉज द बेस कैंप एंड दैट्स वेयर वी आर सपोज्ड टू गो. हेलो गाइस, तो आपको हम रास्ता दिखा रहे हैं. वहाँ से स्टार्ट किया था हमने और ये जो है पूरा का पूरा हुआ. और ये हैं हमारे अंकित जी जो अभी थोड़ा थक चुके हैं और मंदिर की ओर जा रहे हैं. मंदिर अभी ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक ही है. और ये लोग भी हैं हमारे साथ चल रहे, बहुत पब्लिक है. तो लीजिए सम काइंड ऑफ फार अवे, दैट्स द प्लेस दैट वी हैव टू गो. वी हैव क्लाइंबड ऑलमोस्ट 700 meters for today. Some horses from the mountains.
है हनुमान जी का मंदिर पहाड़ों के बीच। वैसे ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से पहाड़। आज का पहला हनुमान जी का मंदिर और ला मेरे पास दे मैं करूँ कमेंट्री। हाँ तो दोस्तों चल रहा है ना, तो ये है अभी हम आपको बजरंगबली के राम भक्त हनुमान जी के दर्शन करवाएंगे हम आपको। और पहले आप देख लीजिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा नीचे का नज़ारा। लेकिन एक चीज़ यहाँ आके बहुत गलत लगी, जो यहाँ के नीचे के जो लोग हैं वो यहाँ के टपरियाँ बनाते हैं यहाँ आपकी सुविधा के लिए, लेकिन कुछ शरारती तत्व जो हैं इनको तोड़ देते हैं, तो ये बात अच्छी नहीं है। आइए आप आनंद लीजिए पहाड़ों में। देखिए ये है मंदिर और जय श्री राम हनुमान भक्त। और यहाँ से देखिए बिल्कुल सामने जो है ये है मंदिर, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, थोड़ी देर में दिखेगा। और ये है पहाड़ सामने। और ये राम भक्त देखिए पूरी तपस्या में लीन है, यहाँ पूरी तपस्या में लीन आशीर्वाद ले रहा है कि शक्ति दे हमें प्रभु, शक्ति दे, उड़ के पहुंच जाएगा ऊपर। तो ऐसे ऐसे यहाँ की लाइफ चलती है बहुत अच्छे तरीके से। और नीचे वाला भी हम ही आपको कुछ दिखाएंगे अभी एक छोटा सा नज़ारा। तो यहाँ पे हम आपको कुछ दिखाएंगे, हमारे एक बहन जी हैं यहाँ पे और एक भाई भी हैं इंडियन आर्मी वाले। तो क्या बना रहे हो आप लोग? मैगी। देखो पहाड़ में मैगी बन रही है, बहुत अच्छा है। और लकड़ियाँ भी जल रही हैं देखो। और ये टेंट है और ना ना खाओ आप, अभी मंदिर जाना है। और ये इन्होंने टेंट लगाया था यहाँ पे। आप हो कहाँ से? कांगड़ा से। ठीक है, जय माता दी। पहाड़ का नज़ारा बहुत ही नारा ऐसे। और एक भक्त और आ रहे हैं हमारे पीछे, देखिए। So the first pit stop is done and we're starting again. That's where we're supposed to go technically. ये दिखने लगा छोड़ो ही है क्या ये चाहते हैं? बंदे यहाँ से जा रहे हैं। सो 1.5 किलोमीटर्स डन सिंस वी स्टार्टेड फॉर टुडे एंड आई गेस दिस मच मोर वुड बी देयर आई गेस। वेल इट्स अ टायरिंग, प्रीटी टायरिंग स्ट्रेच, बिलीव इट नॉट। वी आर लकी, येस्टरडे द वेदर वॉज नॉट गुड सो मैनी पीपल वर स्टक हियर। टुडे the sun is up, no clouds. Because of these areas are wet due to rain, the climb gets even harder. So it's always better to first check the weather report before you come here. Oh, Jai Mata Di. ये हैं हमारे अंकित जी और पीछे भी कुछ बंधु चल रहे हैं। एक भाई साहब लाइट के पास खड़े हैं, ये लाइट लगी है
बोलने को कुछ आ नहीं रहा है। तो ये जितना भी एरिया आपको दिख रहा है ये बर्फ से भरा रहता है, जब नवंबर दिसंबर में बर्फ गलती है पहाड़ पे, ये ट्रैक बंद हो जाता है ना, तब मंदिर बंद रहते हैं। अक्टूबर से डिपेंड करता है कब तक बर्फ रहेगी, कम रहेगी तो खुल जाता है जल्दी, नहीं तो बंद रहेगा। वैसे तो थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, बाकी बाद में देखते हैं, हो जाएगा तो सही है, नहीं होगा तो ठीक है। मोस्टली इसको चीते ने काटा है, काटा क्या खाया है, गाय थी ये। चलो अभी मुझे ऐसा लग रहा है सर यही चढ़ाई है, आगे ना हो तो मैं ये ट्रैक पे आ रहा हूँ आफ्टर 12 इयर्स, ऑलमोस्ट आफ्टर 12 इयर्स, द लास्ट ऑफ द स्ट्रेच, एंड दिस इज ओनली आई एम होपिंग, आई एम नॉट श्योर वंस वी रीच एट द टॉप व्हाट वी आर गोना सी। तो उम्मीद तो यही है कि भाई इसके ऊपर पहाड़ ना हो, क्योंकि देखो बर्फ वाले पहाड़ इतने और कितने बड़े होंगे यार ये। बट एनीवेज हमें तो चलते रहना पड़ेगा जब तक पहुंच ना जाए। बाय द वे ज़्यादा धूप की वजह से ये पत्थर गर्म हो जाते हैं, तो ये पैरों के नीचे चुभने लगेंगे एक टाइम के बाद ज़्यादा गर्मी की वजह से। बारिश हो जाए तो फिसलते हैं, तो चलना मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा गर्मी में गर्म हो जाते हैं तो चलना मुश्किल हो जाता है। सिंस वी स्टार्टेड वी हैव कम लाइक 2.5 kilometers, दो हमारा घर इन पहाड़ों में से किसी पे है और ये पहाड़ ऑलरेडी बहुत बड़े हैं। तो इस वक्त जहाँ हम हैं भाई साहब, थोड़ी देर बैठेंगे रेस्ट करेंगे फिर बाकी का स्ट्रेच कवर करेंगे। वी आर स्टार्टिंग अगेन and well if you see up there clouds have started forming, the white ones, let us just hope it doesn't rain. Oh, वो है मंदिर, तो चढ़ाई भी खत्म नहीं हुई है, सो मैं कंटिन्यू। ये ना मंदिर अल्ली उतरना भी है इस सामान के साथ। That's the temple. We are almost here. Finally, after almost 4.5 kilometer stretch, so technically about 13 kilometers over
overall since yesterday. So instead of going to the mandir directly, हम लोग पहले जा रहे हैं बोड़ी, वहां जाएंगे नहाएंगे, उसके बाद ही मंदिर में आएंगे। कहाँ है बोड़ी? ये जो चढ़ने में हालत खराब होगी। नहीं नहीं, तो 1.5 किलोमीटर नीचे आ गए हम ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द माउंटेन। सो तो ये रही बोड़ी जहाँ पे नेचुरल वाटर निकलता है। अब यहाँ से हम पानी लेंगे और थोड़ा फ्रेश होंगे। और ये रही वादियाँ, मतलब हाँ वही नहाएंगे। सो फार वी हैव डन लाइक 17 किलोमीटर्स ऑफ ट्रैक ऑलमोस्ट, एंड नाउ वी आर गोइंग बैक टू द टेम्पल। वील ऑफर आर प्रेयर्स एंड देन वील स्टार्ट मूविंग बैक। इट्स ऑलमोस्ट 12:30, होपफुली बाय 1:30 वी शुड बी एबल टू स्टार्ट आर जर्नी टूवर्ड्स the base, and hopefully by 6 or 7 o'clock in the evening we'll reach the bottom of this mountain. It's almost 17 kilometers up and I would say 14 kilometers back. Almost 30 kilometers of hiking never done in my life. Like, yeah, I've done it. I was 18 then. Now I'm 30. So keeping that in mind. Well, we are at the temple now. कहाँ चले हो? कंस्ट्रक्शन है ना? अच्छा, ये बन रहा है ना यहाँ पे, इसको काम चल रहा है। जब हो जाएगा तब शिफ्ट हो गया, अभी तो बहुत टाइम लगेगा। अब चले मंदिर। माता रानी का मंदिर तो हो गया, अब है भोले बाबा का। पंडिया
करना है ट्रैवल। वेल सो वी आर डन, वी आर डन विद आर पूजा। वी इवन हैड आर लंच हियर, हैड सम ब्लैक टी एंड नाउ वी आर मूविंग बैक बैक टूवर्ड्स आर हाउस एंड दिस इज गोइंग टू बी अबाउट 14 किलोमीटर्स ऑफ डाउनवर्ड हाइक। सो आई विल बी एंडिंग दिस पर्टिकुलर व्लॉग हियर इटसेल्फ एंड कीपिंग द कैमरा इनसाइड नाउ। So that was all for today's vlog. This was a different vlog because we came for trekking, not for a ride. Anyways, that's all. Have a great day and see you next time. So while we are returning, a small info. For example, this was actually a fort here, which is now completely destroyed. This the government tried making a helipad, but none of the helicopters could ever land here due to weather, whatever you may call it. Mata Rani ne nahi chaha, yahan koi utra hi nahi. Oh, by the way, yeah, the view. Wo raha mandir, ye Shivji wala, wo Mata Rani wala. एंड बाय द वे ये वो प्लांट है जिससे धूप बनता है, जो भगवान को हम ब्लैक वाले धूप, हवन वाले धूप जो जलाते हैं, वो इसी से बनता है। तो दिस वाज सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, सो आई थॉट आई विल जस्ट गिव इट टू यू। सो वी आर टेकिंग अ डिफरेंट रूट बाय द वे टू गेट डाउन। वी आर गोना गो फ्रॉम दोज फॉरेस्ट एरिया। ये रहा वो हेलीपैड।